अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम पीजीआरस भी कहते हैं और ये बहुत ही छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन से बने होते हैं और ये सभी मॉलिक्यूल्स मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम और भी कई नामों से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स या फिर सिंपली फाइटो हॉर्मोन्स। इन सभी नामों से हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को जानते हैं। प्लांट्स के अंदर 5 तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देखने को मिलते हैं, जो रहते हैं ऑक्सिन्स, जिब्रिलिन्स, साइटोकाइनेंस, इथाइलीन और साथ ही एब्सिसिक एसिड। हम इन सभी हॉर्मोन्स के बारे में आगे बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इन सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो ये जो सभी पांचों मेजर ग्रुप्स रहते हैं पीजीआरस के, इन सभी की डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। इसकी शुरुआत हुई जब चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया कि कैनरी ग्रास के अंदर जो कॉलियोप्टाइल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन की तरफ, यानी कि वो सन की तरफ रिस्पॉन्ड करते थे और उनके अंदर लाइट सोर्स के टूवर्ड्स ग्रोथ देखा गया, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। उसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि कॉलियोप्टाइल की जो टिप होती है वही ऐसी साइट है जो कि ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही थी, जो रिस्पॉन्सिबल थी एंटायर कॉलियोप्टाइल की बेंडिंग के लिए। यानी कि अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझे, यहाँ पर लाइट सोर्स से लाइट जो है वो कॉलियोप्टाइल की टिप के ऊपर फॉल कर रही है और जब ये यहाँ पर लाइट पहुंचती है तो कॉलियोप्टाइल की पूरी टिप जो है वो बेंड कर जाती है। और इसका रीजन ये रहता है कि टिप ऑफ द शूट डिटेक्ट्स लाइट, यानी कि जो टिप होती है कॉलियोप्टाइल की वो लाइट को डिटेक्ट करती है और वहां से कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन्स कॉजेस सेल इलोंगेशन इन द स्टेम, यानी कि जब लाइट फॉल होती है तो वहां पर सेल्स की इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू ऑक्सिन। और जब यही लाइट जो है एक एंगल से आती है तो ऑक्सिन्स जो है वो शेडेड एरिया की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी कि इस तरफ, और वहाँ के स्टेम्स के जो भी सेल्स होते हैं उनको इलोंगेट करने में हेल्प करते हैं। और क्योंकि यहाँ के सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि टिप के अंदर हमें बेंडिंग देखने को मिलती है और ये जो बेंडिंग होती है वो लाइट के टूवर्ड्स होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सनलाइट इस कॉलियोप्टाइल की टिप के ऊपर फॉल करती है तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिन्स होते हैं वो सारे साइड की तरफ मूव कर जाते हैं और यहाँ के सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, यानी इलोंगेट होने लगते हैं और ये पूरी टिप ऐसे बेंड हो जाती है। ऑक्सिन्स को फिर फाइनली आइसोलेट किया था F.W. वेंट ने और ये जो आइसोलेशन थी ये थी फ्रॉम द टिप्स ऑफ द कॉलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स, यानी कि जो ओट की सीडलिंग्स होते हैं उनकी कॉलियोप्टाइल टिप्स में से ऑक्सिन को वहां से आइसोलेट किया गया था। फिर इसके बाद जिब्रिलिक एसिड की डिस्कवरी देखी गई और वो कुछ ऐसे कि पहले नोटिस किया गया था बैकेने डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स, जिसे हम फुलिश सीडलिंग भी कहते हैं, वो डिजीज जो है एक फंगल पैथोजन कॉज कर रहा था जिसका नाम था जिब्रेला फुजिकुरोय। बाद में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ई कुरोसावा, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जब अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स को उन्होंने स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस के साथ ट्रीट किया तो अगेन इसी बीमारी यानी इसी डिजीज के सिम्टम्स उन अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स में देखे गए। और फाइनली जब इस एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया तो वो था जिब्रिलिक एसिड। इसी तरह एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एफ स्कूक और साथ ही उनके कोवर्कर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जब टोबैको प्लांट के इंटरनोडल सेगमेंट से जब कैलस को हमने निकाला, कैलस से मतलब होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इस कैलस के अंदर
प्रोलिफरेशन यानी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इसकी प्रोलिफरेशन तभी देखी गई जब ऑक्सिन्स के साथ में इनमें से कोई एक या तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज या यीस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए इनमें से एक कंपोनेंट जो है वो ऑक्सिन्स के साथ इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला गया, तभी जो है कैलस के अंदर प्रोलिफरेशन देखी गई। लेटर स्कूग और मिलर ने इस साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया और साथ ही क्रिस्टलाइज भी किया और इसका नाम दिया काइनेटिन। यानी कि सेल कल्चर के अंदर जो भी साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्टिव सब्सटेंस था, तो फाइनली ये डिस्कवर हुआ कि वो एक्टिव सब्सटेंस वहां पर काइनेटिन था। इसी तरह मिड 1960s में तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने तीन तरह के इनहिबिटर्स को प्योरीफाई किया और साथ ही उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी। वो इनहिबिटर्स थे इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और साथ ही डॉर्मिन। बाद में फिर ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो तीनों तरह के इनहिबिटर्स थे केमिकली ये बिल्कुल आइडेंटिकल थे और इसीलिए इनका नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड यानी कि एबीए। इसी तरह कजिन साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो राइपेंड ऑरेंजेस थे उनमें से कुछ ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा था जो कि वहां पर स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब ये वॉलेटाइल सब्सटेंस बाद में जब डिस्कवर हुआ तो ये पाया गया कि वो एक गैशियस पीजीआर था जो कि था इथाइलीन।